यूनिट थ्री में फर्स्ट टॉपिक है आपका कोण, जिसे आप एंगल बोलेंगे। तो इसका जो प्रारंभिक ज्ञान है वो देखो कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनेगा। अब जैसा कहा गया कि घूमने पर बनेगा, तो प्रारंभिक बिंदु जो है वो ये हो गया A, जो है वो प्रारंभिक बिंदु है। अब इसका घुमाव जो है, तो घुमाव का ज्ञान जो होगा उसको आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस ऑप्शन में इस दिशा में चलिए या इसके ठीक विपरीत दिशा में घुमाव करिए। तो ये जो दिशा है वो पॉजिटिव है और इस दिशा को हम लोग जो क्लॉक के हिसाब से है, घड़ी की सुई के हिसाब से चलती है, ये ऋणात्मक है और ये जो घुमाव है ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घूमता है, कि ये जो है वो धनात्मक लिया गया। अब इसके मापन पे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे, जब घुमाव ही है तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शन बताया गया कि मूल बिंदु जो है वो है और ये लाइन एक ड्रॉ कर दिया गया मार्जिन। अब इसमें यहां से अगर आप शुरू करते हैं तो दो ऑप्शन है, आप एक साइड से चलेंगे, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है। तो ये जो घुमाव है वो कभी जो है वो खत्म नहीं होगा, आप इसको बढ़ाते चले जाइए, चक्र इसमें आप केवल इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो और इसी तरह निगेटिव साइड में, तो जो कोण का माप है वो यहां पे किरण के हिसाब से, जब नया कॉन्सेप्ट कोण का आया तो उसमें ये नहीं है कि आपका ये खत्म हो जाएगा कहीं पे, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिशाओं में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये बदलेगा अपने मान को। अब इसका जो नया मेजरमेंट आएगा कि एक हमारे पास पहले से है डिग्री, जिसके हिसाब से ये बताया गया आपको, और जो मानक मेजरमेंट है जिसका तात्पर्य सबके लिए कॉमन होना चाहिए वो जो है रेडियन मेजरमेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो मानक इसका माप होगा कोण का, वो आपका माप है रेडियन माप, रेडियन मेजरमेंट। अब रेडियन मेजरमेंट के हिसाब से आपका जो कोण है वो थीटा, तो यहां पे बिंदु ए और इसका स्टार्टिंग बिंदु जो है, केंद्रीय बिंदु जो है ए ले लिया गया। अब यहां से ये रोटेट करेगा, किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है ये, तो ये कोण जो बना है ये थीटा हो जाएगा। तो अब इसका मापन कैसे किया जाएगा, तो नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका मापन जो होगा वो आर्क ए बी, इसके ऊपर जो सिंबल बना है उसका मतलब ये लेंथ आपको लेना है। अब त्रिज्या जो है इसका वो ओए है, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि दोनों का जो मापन है वो दोनों एक ही यूनिट में होगा, एक ही तरीके से इसका मापन किया जाएगा, तो यहां पे कोई मात्रक बनता नहीं है, अनुपात हो गया ये। अब इसके लिए अलग से टर्म जो है वो रेडियन है, तो रेडियन मापन में स्पेशली कोई यूनिट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही क्वांटिटी का अनुपात है, यहाँ पे लंबाई का अनुपात है, तो अनुपात में कोई मात्रक नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोण का ये मेजर करेगा और इसका जो स्टैंडर्ड जो मानक है वो डिसाइड किया गया है कि ये रेडियन है, और जो बिगनिंग में बताया गया था आपको, जो शुरुआती समय में बताया गया कि डिग्री है। अब ये मापन जो है वो सबके लिए है, रेडियन तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, मापन करेंगे। तो इसका वैल्यू हो गया एल अपॉन आर, ए बी ऊपर
सिंबल जो बना है इसका मतलब ये आर्क की लंबाई और इसका OA त्रिज्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर, ये आपका थीटा का वैल्यू होगा और ये रेडियन का नोटेशन जो है यहां पे है रेडियन मेजरमेंट में, लेकिन सामान्य रूप से आप देखेंगे कि इसका जो है यूनिट, जैसे डिग्री में आपने देखा कि ऊपर जीरो बनाते हैं हम लोग, तो इसमें कोई नोटेशन नहीं बनाया जाता क्योंकि यहां पे मात्रक जनरेट नहीं होगा। और समझने के लिए रखना है कि ये मेजरमेंट जो है वो रेडियन है, इस पे ध्यान रखेंगे हम। डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो अब अभी इसके पहले वाले डिस्कशन में देखा गया आपको, ये जो आपका घूर्णन दिखाया गया है ये कोण के हिसाब से कोण हो गया, तो ये 360 अंश हो जाएगा, और जो नया सिस्टम बताया गया उसके हिसाब से ये 2 पाई हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो पाई रेडियन है यहां पे, इसको इसका सिंबल है नहीं कोई, तो बोलने के लिए आप बोल सकते हैं पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन जो होगा वो 180 अपॉन पाई डिग्री, तो इससे आप रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करेंगे, और 1 अंश अगर हो गया ठीक उल्टा कर दिया जाए तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180, इधर से 180 डिवाइड कर देंगे तो 180 आ जाएगा आपका रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जिससे आप रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। दैट्स ऑल।